पूछ रहा है ऐसे? हाँ, ये मेकअप आर्टिस्ट मुंह पूछने के लिए मेरे को दे रही है। तुम पहले अपना खुद मुंह पूछ जाइए। और आज ये मेरे क्लाइंट भी हैं करवा चौथ के लिए। तो इनका फेस वॉश हो चुका है और इसके बाद मैं एम्ब्रॉयडरी क्रीम लगा रही हूँ ताकि इनको अच्छे से हाइड्रेशन मिल जाए। हाँ, वैसे भी पानी नहीं पिया मैंने। दे अरे यार, कोई नहीं, ये तो होता जाता है, बिहाइंड द सीन में दिखा। यार ये इसका पता, इतना अच्छा ये क्रीम है, इसका कैप। अरे यार क्या हो रहा है, क्रीम अच्छी है, खुशबू अच्छी है इसकी। तो सबसे पहले मैं इनका आईब्रो करने जा रही हूँ। आईब्रो करिए। आपने आईब्रो बनाया नहीं है? क्यों, पेन होता है? करा लिया, दर्द होता है, लिपस्टिक नहीं लगा, बोल सकती हूँ। अरे पागल, पता है हर किसी पैरों पर मानी बनाने आती है ना, तो मैं ऐसे हाथ लगा लेती किसी को, काट के और चली जाती है करीजा मेरा। कितना भी बोलूँ, धीरे धीरे चलाइए, हाँ धीरे धीरे, और धीरे धीरे तो छोड़। नहीं कहती हूँ कि आप ना बिल्कुल शेप देने की कोशिश मत करो, बस यहाँ जो मेरे पापा की तरह यहाँ तक बाला गए ना, उनको हटा दो, तब भी वो शेप देने की कोशिश करती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूँ। भैंसे जैसे हो जाती है ना, तब बनवाती हूँ। तो अभी हो चुकी है, पागल है क्या? हाँ यहाँ तक तो आया है, क्या हो रखी है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे क्या होगा? सेकंड ईयर हो चुका है और अब मैं आईशैडो यूज करने जा रही हूं। इसे पहले मैं ले रही हूं लाइट पिंक कलर, क्योंकि इनका पिंक कलर का ड्रेस है और काफी प्रीटी ड्रेस है। तो कुछ अपने ड्रेस के बारे में बताना चाहेंगे आप? मम्मी ने दिया था। ठीक हो गया ये। ओ मैं ले रही हूं आईशैडो जो कि पिंक कलर का है और इसे इनके क्रीज लाइन पे लगा रही हूं और इसे अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड। तो आपको लाइट मेकअप चाहिए या हैवी? बोल सकती हूं लाइट लाइट लाइट, ज्यादा हैवी नहीं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है क्यूटी शालू, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ काफी क्यूटी में चार बार ये है और एक अंडरस्कोर भी है और शालू में डबल यू है, ट्रिपल यू है, नहीं डबल। तो वहाँ पे ये कॉमेडी रील्स बनाती हैं और डांस का भी। ये सब बहुत मजा आता है, तुम्हारे पास औजार रखे हैं। तो हाफ कट प्लीज, जो कि इनकी आईज पे काफी अच्छा लगेगा। क्लोज करो, मुझे आंखें बंद रखनी है, नींद से आ रही थी। इसके बाद सेंटर में वाइट है, सेंटर में हम लगाएंगे शिमर शेड। लगा तो इसे फिंगर पे अच्छे लगा लेंगे, पिंकल का पॉपअप करेगा ना, शिमर है लाइट है। अगर डार्क चीज लगाओगी तो वो डीप करेगा और लाइट लगाओगी तो वो पॉपअप करेगा। जेल लाइनर, जेल लाइनर। हां, कट क्रीज पे मैं वाइट लाइनर लगा रही हूं ताकि देखो सब बोलते जाते। तो मैं ये जो कट क्रीज बनाया उसके ऊपर वाइट लाइनर लगा रही हूं, थोड़ा ला मैं उठा देती हूं। अब क्या? अच्छा बीच में, बीच में देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर। हाँ। इसके अंदर कैसे देखते हैं? वैसा तो लगाएंगे मैस्कारा, मैस्कारा, मस्कारा, मस्कारा। जरूरत अभी नहीं लगाती, मिला दियो मैं जरा मारी, क्योंकि गल लग गया, तूने बोला लग गया। पर अच्छा लग रहा है, हटा दो क्या? नहीं नहीं, मैं बंद करूंगी। तो अब हम लगा लेते हैं प्राइमर। तो प्राइमर के लिए यूज करेंगे आपके ऊपर, आपकी स्किन कौन सी है पता नहीं, मतलब पसीना होता है या फिर ड्राई हो जाता है स्किन फेस वॉश करने के बाद? मेरा स्किन फेस वॉश के बाद ड्राई हो जाता है। कुछ भी लगा दे, स्प्रे करके प्राइमर ऑयल है, पहले हल्का सा लगा देती हूं। ऐसे क्या होता है? अरे आपका फेस जो है ना वो ग्लो करेगा यार, कहीं नहीं करता, मैंने तो चुकंदर के जूस भी पी के रखे हैं, देख रखे हैं। मेकअप से ग्लो करेगा, नेचुरल नहीं। नेचुरल कैसे करेगा? नेचुरल जो ग्लो है ना वो है तुम्हारा, जितना होना चाहिए। मुझे देख के लोग अपना व्रत खोल लेंगे। मेरी आंखों के नीचे ग्रीननेस क्यों दिखती है? इसके बाद इनके जो डार्क सर्कल है उसके लिए ऑरेंज करेक्टर। और अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। करिए, कर रही हूँ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है कलर बार का, जो कि काफी अच्छे से ब्लेंड कर देता है। आपके पास भी नहीं? तो फिर मैं तो बता रही थी कि अच्छा लग रहा है, मेरे पास उसका है, मिनी सू का। मिनी सू का अच्छा नहीं था, और मुझे क्या पता, मैं बता रही हूँ। ऊपर लिखो, ये सही में अच्छा है।
मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं तो बहुत दोनों को मिक्स कर रही हूं, स्किन टोन का बना रही हूं, तो आपको ऐसा तो नहीं चाहिए एकदम वाइट बना दूं? नहीं नहीं, तो मुझे बस चमकदार बनाओ, वाइट नहीं। जो आपकी स्किन टोन है, मैं तो कुछ लोग वाइट बनने भी आते हैं क्या? हां, गोरा बना दो, गोरा। और यही तो कहा था वो शादी वाले मेकअप पे कि मुझे ज्यादा गोरा मत करना, कि अगले दिन देखे और कहीं कह रही दुल्हन तो पहचान में नहीं आ रही। फाउंडेशन, फाउंडेशन मैं यूज नहीं करती वैसे, मुझे पता ही नहीं चलता। पहनने आती है? इसको मैं ब्लेंड कर रही हूं, उसके साथ मैं यहां मैक 6 प्लस स्प्रे यूज कर रही हूं ताकि फाउंडेशन और अच्छे से सेट हो जाए। अभी जब मैं कभी-कभी कोई वीडियो देखती हूं तो बिल्कुल ही आज लगाने जा रही हूं सबसे पहले ब्लशर, इनको कंटूर की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ब्लशर के लिए मैं ये कौन सा कलर है, डार्क पिंक है? सारे पिंक देखिए, नहीं पता है मुझे लड़कियों के लिए। हल्का हल्का यहां लगा रही हूं, हल्का सा ब्लश पे लगा देंगे ताकि आप रोजी रोजी दिखे। आज मुझे रोजी रोजी अच्छा लगता है। मैं साथ अक्सर यही हुआ है ना कि क्लाइंट जो मन में चाहता है ना, मैं उसको वैसे ही लुक कर देती हूं, फिर वो खुश हो जाता है। मैं तो ऐसे ही चाह रही थी। हां रोजी रोजी मेरे को पहले मैट अच्छा लगता था, पर ऐसा तो मैट नहीं, ग्लोई वाला ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जब मैंने पाउडर वगैरह भी मैं कुछ नहीं लगाया, तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पाउडर ब्रश और कंटूर करते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूं मिक्स क्लियर का ये पैलेट, और इसमें से पहले ब्लश लगा देती हूं आपको, थोड़ा डार्क लगाऊंगी तो फिर लाइट हो जाएगा। ठीक है, हंसना पड़ेगा ऐसे। हां, हमारा फेस स्ट्रक्चर क्या है, तो जब तुम साइड पोज दोगी तो तुम्हारा अच्छे से ये दिखना चाहिए। ये ले, ये तो अब हाइलाइटर लगा रही हूं, मेरा फेवरेट, चमक जाएंगे चंदा की तरह। मुझे भी हाइलाइटर ही पसंद है मेकअप में ज्यादा, क्योंकि ये दिख जाता है ना और सब चुप जाते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ब्लशर से तो हट जाकर मैंने उसको कंटूर नहीं किया, इनके फोरहेड पे हल्का मुझे कंटूर करना होगा। क्यों? इनका फोरहेड बहुत बड़ा है। हाँ ये तो अच्छी बात है, पंडित जी कहते हैं। पंडित जी पे मेकअप मतलब हमारे लिए अच्छा है, मेकअप वालों के लिए, कि आपके सर पे हमें काम करने का मौका मिल जाता है। वरना जैसा ये फोरहेड छोटा रहता है तो फिर कुछ कर नहीं पाते उस पे, जैसे मेरा भी छोटा ही है फोरहेड, तो कुछ करने का ही नहीं रहता जगह, लेकिन आप पे काफी जगह है। मेरे पास तो जगह ही है, मेरे पास तो बहुत जगह है। मेरा फोरहेड पता है 4 उंगली का है, 5 उंगली का। डबल लकी हो, कहां घंटा लकी हो। मैं ज्यादा सोच यार, इससे क्या होता है ना, पतली हो जाती है क्या? पतली नहीं हो जाती है, शैडो का वो इफेक्ट आ जाता है, मतलब जैसे देखने में फोटोज में और इसमें तो स्मार्ट लगेगा। तो इतनी मेहनत बस फोटोज के लिए होती है? और किस होती है वो, भयंकर तो नहीं लगेगा व्हाइट पेंसिल, दिखता है क्या? हल्का ही लगाऊंगी। तो अंडर आई पे वाटर लाइन पे मैं लगा रही हूं व्हाइट पेंसिल, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेकअप काफी हैवी हो रहा है, तो ये हैवी है। हां यार, कितने प्यार से किया है एक चीज, देखो भरोसा रखें ऊपर नीचे उतर आता है। हां यहां उसके बाद में काजल ले रही हूं, इनके ऊपर देखो लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूं। ला पकड़वा पकड़वा, पकड़ लेती हूं, सेम नहीं आ रहा ऊपर देखो। आज तो मैं तुमने गुलाब गुदाबो लगाऊं, गुलाबो मेरी मेरी ड्रेस भी गुलाबी। हां मेरी ड्रेस गुलाबी, मेरे चीक्स ऊपर क्या जो धब्बा लगा दिया है, इसे हटाने के लिए कोई भी आप स्पूली ब्रश ले सकते हो, और इससे ये अब सूख चुका है मस्कारा, और इसे हम बस हल्का सा स्क्रैच करेंगे, तो इससे आपका आईशैडो भी खराब नहीं होगा, आपका हट जाएगा बिल्कुल कायम। तो इस तरीके से आप अगर कोई मिस्टेक कर दो आईशैडो पे, मस्कारा लग जाएगा, हटा सकते हो। ठीक है, अब क्या? अब सारी है लिपस्टिक। हां तो आपने लिप बाम लगाया था? नहीं, ला तेरा ही लगा लूं, तेरे तो बहुत सारे हैं। ये ना गिर गया था, लिप बाम लगाना जरूरी होता है क्या? हां मैट लगा दी लिपस्टिक पे, फिर वो क्या बोलते हैं, स्ट्रैक नहीं पड़ेगा, लगा लिया उसको हम पोंछ करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर मैट लिपस्टिक शाइनी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में लिपस्टिक से बिल्कुल मैचिंग है, वही तो चाहिए। लिपस्टिक भी ऐसे लगाएगी? हां धरिया मार के। मैट लिपस्टिक में नहीं करते हैं फैक्टुक, तो इसको शेप देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो कैमरा बंद कर देती हूं, क्योंकि मेरे पास तो लास्ट में बस ये हाइलाइटर लगा रही हूं मैं ब्रो बोन पे, और अब हमको पूरा अच्छे से रेडी करके फिर आपको लुक दिखाते हैं। देखिए उतार दिए। हां रोल, साथ आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना जिला मैं कभी नहीं हूं अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।